ज जींस बूट शूज काफी कुछ मैंने अभी लिया है अमेजोन से बिकॉज अभी अमेजोन पे चल रही है बहुत ही अच्छी सेल एंड मैंने अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग करी है बट आज का वीडियो एक रेगुलर हॉल वीडियो नहीं होने वाला है आज की वीडियो में मैं आप इन सारी चीजों के साथ काफी डिफरेंट लुक्स शेयर करने वाली हूँ एंड आई थिंक ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा ऑल्सो इन सारे कपड़ों के लिंक मिलेंगे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सो डू चेक द वाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट क्विकली सो फॉर माई फर्स्ट लुक आई रियली वॉन्टेड इट टू बी रियली क्लासिक एंड वेरी स्टाइलिश सो मैंने यहाँ पर ली है ये डेनम जैकेट फ्राम द ब्रांड फंडे फैशन एंड यू वोट बिलीव गाइज इसका प्राइस था जस्ट वी थ्री सेवेंटी फाइव so, सो इसका जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा पतला है तो अभी वाले नवंबर मंथ के लिए ये बहुत ही अच्छे रहेंगे इस मैंने साइज़ लिया है मीडियम एंड इसमें और भी लाइट कलर्स भी अवेलेबल थे बट मुझे ये डार्क कलर बहुत ही पसंद आया इसके साथ मैंने लिया है ये टैंक टॉप जो कि बहुत सारे कलर ऑप्शन में अवेलेबल था बट आई रियली लव द ब्लैक वन बिकॉज ब्लैक बहुत सारे आउटफिट के साथ जाता है एंड ये अहावान करके ब्रांड है इसमें मैंने मीडियम साइज़ लिया है जिसका फैब्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है काफ़ी ज़्यादा इसमें स्ट्रेच है तो मतलब बहुत ही अच्छे से फिट हो जाता है ये बॉडी पे एंड आई थिंक फॉर द प्राइस थ्री फिफ्टी में ये काफ़ी अच्छा परचेज मुझे लगा सो so, इसके साथ पेयर किया है मैंने ये ब्लैक डेनिम जीन्स एंड ये काफ़ी ज़्यादा क्लासी लगी मुझे एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड आका चेक जो कि बहुत ही अच्छा ब्रांड है जेनिम्स का एंड इसमें मैंने साइज़ लिया है थर्टी एंड आई थिंक इसका जो प्राइस वो एट नाइन्टी नाइन के अराउंड था बेसिक फाइव पॉकेट जीन्स है ये बट इसका जो कट है वो बूट कट है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है फैब्रिक भी बहुत ही अच्छा है इसका एंड मे पहनने पर बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल रहता है सो so, उसके साथ मैंने पहने हैं ये हील बूट्स एंड ये सिल्वर कैट करके ब्रांड है एंड इसमें आती है ढाई इंच की हील एंड आई फील ये हर किसी के वार्डरोब में होने चाहिए ये किसी भी आउटफिट को तुरंत ही बहुत ही स्टाइलिश लुक बना देगी एंड इसमें मैंने साइज़ लिया है यूके सिक्स फाइव फिफ्टी के अराउंड इसका प्राइस था एंड लुक एट द होल डिज़ाइन गाइज इसमें ये जो लेसेस का डिज़ाइन है साइड में इसमें ज़िप है पीछे इसमें इसमें कुछ स्टिचेस का वर्क हो रखा है सो ओवरऑल आई एम इन लव विद दीज बूट्स एंड ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट एंड पहनने पर पे, तो मुझे बहुत ही कम्फर्टेबल लगे सो हे इज़ माई कम्प्लीट लुक आई थिंक ये टैंक टॉप वैसे भी अच्छा लग रहा है बिना डेनिम जैकेट के साथ एंड डेनिम जैकेट पहनते ही इसका जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा एंड ओवरऑल you know नो द होल लुक इज़ रियली and एंड रियली फैशनेबल वॉट यू थिंक आई डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फॉर मैं नेक्स्ट लोग मैंने लिए ये सुपर क्यूट टी शर्ट एंड दिस इज फ्राम द ब्रांड स्टोरीज डॉट लेबल इस मैंने साइज लिया है मीडियम एंड इसका जो स्टाइल है पैटर्न है बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा मुझे एंड इसका जो फैब्रिक है वो भी काफ़ी थिक है तो यू नो विंटर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रहेगा सो so, इसके साथ मैंने पेयर की है ये वाइट डेनिम जीन्स अगेन फ्रॉम द ब्रांड आका चिक जिसके डेनम बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं इसकी वाइट की खासियत ये है कि ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है और ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है इसका अगेन इसमें मैंने थर्टी साइज़ लिया है और इसका जो यू नो फिट है वो बिल्कुल स्किनी फिट है तो मुझे ऐसे वाले फ़िट काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं सो so, उसके साथ मैंने पहने ये बहुत ही प्यारे से शूज़ आई मीन लुक एट द प्रिंट गाइस कितना ज़्यादा क्यूट एंड गर्ली है इसमें स्पेशली ये जो रिबन्स है इसके लुक को और इन्हांस कर देती है ब्रांड है इसका कैजा इसमें मैंने यू के सेवन साइज़ लिया है जो कि बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही कम्फर्टेबल है एंड इसका फ़ील बहुत ही ज़्यादा लाइट है तो पहनने पर पे बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल फ़ील होता है सो फ्रेंड्स मुझे तो ये लुक बहुत ही पसंद आया बहुत ही कूल एंड बहुत ही कम्फर्टेबल है एंड आपको ये लुक कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर ज़रूर मुझे बताइएगा तो फॉर माई थर्ड लुक मैंने सेम स्वेट के साथ ये मिडी स्कर्ट पेयर करी है ये डेनिम फैब्रिक की है ये मुझ पर आई थिंक बहुत ही ज्यादा सूट करी है और इसका जो होल लुक है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है दिस फ्रॉम द ब्रांड अपटाउन लाइट एंड इसमें मैंने लिया है साइज स्मॉल सो देवर मेनी कलर ऑप्शन अवेलेबल बट मुझे ये डार्क कलर बहुत पसंद आया so for my next look I have opted for this beautiful lavender color sweatshirt again this is from the brand stories dot label and एंड इसमें अगेन मैंने मीडियम साइज लिया है इसमें काफ़ी अच्छी थिकनेस है इसकी जो काफ़ी गर्म रखती है एंड यहाँ पर मैंने जो This ली है the brand फ्रॉम द ब्रांड सिस्ने इसमें काफ़ी सारे शेड्स अवेलेबल थे पर मुझे ये लाइट ब्लू कलर बहुत ही अच्छा लगा एंड इसका जो फैब्रिक है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है इसका जो स्टाइल है वो अगेन बूट कड है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में एंड अगेन आई हैव ऑप्टेड फॉर अ थर्टी साइज़ जो कि मुझे बहुत ही अच्छे से फिट हुआ है सो so, इस लुक के साथ मुझे वाइट शूज़ चाहिए थे तो मैंने ये वाले शूज़ लिए हैं फ्राम द ब्रांड स्पार्क्स एंड इसमें मैंने यू के सिक्स साइज लिया है एंड आई थिंक ये जो वाइट एंड गोल्ड वाला जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लुक दे रहा था इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट शेड्स अवेलेबल है बट आई रियली लाइक दिस कॉम्बिनेशन एंड पहनने में भी बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है सो ये स्वेट शर्ट डेनम एंड की वाइट शूज़ सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं एंड साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है सो आई कैन इवन वेयर इट एट होम एंड एंड आई कैन इवन वेयर इट आउटसाइड सो फॉर माई नेक्स्ट लुक मैंने लिए है ये हुडी स्वेट शर्ट एंड कि बहुत ही ज़्यादा वॉम है सो मतलब मॉनिंग में या रात को कहीं जाना हो तो इस तरह की जैकेट पहने तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है बिकॉज इसके अंदर फ्लीस लगी हुई एंड ऑल्सो इसके अंदर इस तरह से होडी भी है जो कि यू नो हेड को भी बहुत अच्छे से कवर कर लेती है एंड इसमें मैंने साइज़ लिया है मीडियम एंड इसका प्राइस अराउंड सिक्स हंड्रेड समथिंग था सो so ये बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया कलर भी बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है और बहुत ही डिफरेंट कलर्स भी ऑप्शन अवेलेबल थे इसमें सो आई फील दिस इज़ लुकिंग रियली कूल विद दीज ब्लू डेनिम्स एंड दीज वाइट शूज़ इन so सारे लुक्स में से आपको लुक कौन सा ज्यादा पसंद आया है कमेंट सेक्शन पे जरूर मुझे बताइएगा बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो मैं आपसे जल्द मिलती हूँ एक और अमेजिंग वीडियो के साथ देन, टेक केयर एंड हैप्पी विंटर्स